खजनी पुलिस ने छपिया हाईवे से नीचे की तरफ कट मार्ग पर लूट के आरोपी तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान महेंद्र यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी थाना खोराबार, सन्नी उर्फ डागे पुत्र राजेंद्र निवासी सिंदुली बिंदुली थाना रामगढ़ताल तथा प्रेमचंद्र पुत्र प्रकाश निवासी थाना खोराबार के रूप में हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लूट का एक मोबाइल, एक हैंड पर्स तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार एक अभियुक्त पर पहले से ही कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर विधिक कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी साउथ अरुण कुमार ने बताया खरीदता कितने दिनों से था मोबाइल पहली बार गया है पहली बार बेचने खरीदने वाला है दुकानदार दुकान से कहाँ है दुकानदार नहीं है फिर थाना खजनी में 31/12/2020 को छपिया मोड़ पर एक लूट की घटना हुई थी जिसमें तीन बदमाशों ने एक पति पत्नी जा रहे थे उनको लूटने का प्रयास किया उनसे संघर्ष भी हुआ और उसमें वो उसका मोबाइल पर्स आदि चीज़ें छीन ले गए थे। आज थाना खजनी पुलिस को इस घटना से जुड़े तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दो व्यक्तियों का इसमें लंबा आपराधिक इतिहास है। तीसरा व्यक्ति लूट का मोबाइल बेचने की जुगाड़ कर रहा था इससे वो मोबाइल बरामद हुआ है। एक और अभियुक्त इस घटना में शामिल था घटना वाले दिन जो अभी गिरफ्त से बाहर है। घटना में लूटा गया मोबाइल पर्स कुछ कागजात पर्स के ये चीज़ें और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल ये बरामद हो गई है। शेष एक अभियुक्त की भी गिरफ्तारी अतिशीघ्र करके साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। सर क्या इनका कोई गिरोह भी है संगठित जो छिनकी झपटी या लूट की घटना देखकर अंजाम देते हैं? देखिए दो व्यक्ति इसमें ऐसे हैं जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है जिनपे मुकदमों की संख्या दहाई में है। एक व्यक्ति का नहीं है। तीसरा व्यक्ति जो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है उसका भी आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है। इनके संगठित गिरोह के बारे में आगे विवेचना से अगर तथ्य सामने आएंगे कि ये मिल करके इससे पूर्व भी कई घटनाओं को अंजाम दिए हैं इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्यवाही की जाएगी। क्या इसके पहले भी इनकी गिरफ्तारी कभी हो चुकी है? मैंने बताया ना दर्जनों मुकदमे इनमें से एक अपराधी के खिलाफ हैं तो उनकी गिरफ्तारी हर मामले में हुई है।